तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और आपको वापस स्वागत नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं कार्बन मास्टर की टॉप 3 एडिटिंग टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ एंड ये सीरीज का पार्ट 9 है। आपको अगर पिछले पार्ट देखने हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। डिवाइस मॉकअप, तो दोस्तों जो हमारी थर्ड टिप है उसका नाम है डिवाइस मॉकअप। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, दोस्तों आपको सिंपली इस यहाँ पर टाइप करना है, दर आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक पर टाइप करना है एंड आपको ये इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। एंड आपको ये इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रॉल करना है, दर आपको यहाँ पे गेट मोर के आइकन पर टाइप करके इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं आपको सिंपली बता दूँ कि इस इफेक्ट से होता क्या है। आपने अगर यहाँ पे 16:9 का कोई भी वीडियो सेलेक्ट करा है तो आप उसमें कंप्यूटर का इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दो तरह के कंप्यूटर इसमें हैं एंड लैपटॉप में भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सेट कर देता है। एंड यहाँ पे आप टाइटल भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो कि आपको मन वो आप टाइप कर दीजिए एंड ये सेट कर देगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखती है, टैब भी मिल जाता है, रोटेटेड टैब भी मिल जाता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। एंड मोबाइल का भी दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको मोबाइल को पुट करना है तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली उसको 16:9 का आपने जो वीडियो सेलेक्ट करा है उसको आपको 19:16 का करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से एक 19:16 का एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 19:16 का एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है एंड आपको उस पर टाइप करके दोबारा से क्लिप ग्राफिक पर जाना है एंड इस पर टैप कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पे मोबाइल की तरह बिल्कुल ही अच्छे से क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ एंड देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से आज टच जो निकल के आ रहा है आप इसमें टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब आवर चैनल लिख देता हूँ एंड सब्सक्राइब एंड लाइक लिख देता हूँ एंड दूसरे वाले पर कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसे बदल लिख देता हूँ। एंड आपको बस दोस्तों अब मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा आपको लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट सेकेंड सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों जो हमारा सेकेंड टिप है उसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपनी वीडियो को एडिट करते हो और अपनी वीडियो पे आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो भी बहुत अच्छे लुक के साथ, तो दोस्तों आपके लिए सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको सिंपली इस पर टैप करना है एंड क्लिप ग्राफिक पर टैप करना है एंड सुपर स्क्रिप्ट नाम का एक इफेक्ट है, आपको सिंपली इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है एंड इसको भी आप गेट मोर पर टैप करके टैग डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों इस इफेक्ट पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया एंड सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स हैं। पर मेरे को इसमें से एक नाइट राइडर नाम का एक इफेक्ट है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मोस्टली वीडियोस में मैं उसी को यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको उसको यूज़ करके बता देता हूँ, सारे अच्छे हैं बस मेरे को ये बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। एंड मैं इसमें टेस्ट ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी बदल, तो मैं यहाँ पे ऐसे बदल लिख देता हूँ एंड इसका एक फ़ॉन्ट सेट कर लेता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट सेट कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ एंड मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर नॉर्मल वाइट ही रखने देता हूँ क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड मैंने लिया हुआ है एंड वाइट के साथ ये अच्छा भी लगेगा। एंड अब मैं दोस्तों आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं आपको 2-3 और इफेक्ट ट्राई करके दिखा देता हूँ। आपको मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लगता है ये, इसलिए मैं आप इसको मोस्टली अपनी वीडियोस पे ऐड करता हूँ। तो आपको कैसा लग ये इफेक्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट फर्स्ट टिप की ओर, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों इसका काम क्या है, दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमको रोटेट का ऑप्शन मिलता है एंड इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, एंड बट इसको दोस्तों हम 3D रोटेट नहीं करते जो कि मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पर इस इफेक्ट की मदद से आप इसको 3D रोटेशन कर सकते हो। तो आपको सिंपली लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, देन आपको सिंपली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नाम का एक इफेक्ट है, आपको सिंपली इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। एंड मेरे को ये खुद बताऊँ तो मेरे को ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं
उसको भी कभी कभी अपनी वीडियोस में पुट करता हूँ। एंड आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ इससे आप 3D रोटेशन दे सकते हो। आप में कोई सा भी कर लो, एंड देन आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन आपको इसको फुल स्क्रीन में इस तरीके से फुल स्क्रीन में कर देना है। देन आपको सेटिंग पे टैप करना है, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से रोटेशन दे सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। सो मैं इसको अच्छे से रोटेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मतलब हमने 3D रोटेशन दे दिया है, एंड देख लीजिए यहाँ पे नॉर्मल था, एंड अब ये 3D रोटेट हो चुका है, एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसको वीडियो को प्ले भी करके दिखा देता हूँ, एंड जैसे कि यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या आपको पता था इस इफेक्ट के बारे में, और क्या आपको पता था कि हम काली मास्टर पर 3D रोटेशन दे सकते हैं? और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट टिप क्या है। एंड चलिए आज हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए अपने वीडियो को बंद करते हैं।